हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जब अवैध मदरसे और नमाज पढ़ने की जगह पर उत्तराखंड प्रशासन ने एक्शन लिया तो कुछ अराजक तत्वों ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस तक को बख्शा नहीं गया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना ही जला दिया, जबकि ये जगह पहले से ही सील हो गई थी और सब जानते थे कि नगर निगम एक्शन लेगा क्योंकि वो जगह अवैध थी। हल्द्वानी हिंसा पार्ट टू। ऐसी ही हिंसा हमने पिछले साल जनवरी के महीने में देखने को मिली थी, जब ये बात सामने आई थी कि हल्द्वानी में 50,000 से अधिक लोग रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से रह रहे थे, जिनमें से 4,000 लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बस्ती खाली करने का आदेश दिया था और विशेष समुदाय की भीड़ प्रदर्शन पर बैठ गई थी। कोर्ट ने पहले भी वहां रहने वाले लोगों को मौका दिया था ये साबित करने का कि ये जमीन उनकी है, पर वो नहीं साबित कर पाए, तब जाकर कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का फैसला सुना दिया और तब इस मुद्दे पर कांग्रेस से लेकर ओवैसी और अखिलेश राजनीतिक रोटियां सेकने कूद पड़े थे और कांग्रेस के कुछ जजन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 हफ्तों का स्टे लगा दिया था। हिंसा थी साजिश का हिस्सा। हल्द्वानी में आज जो कार्रवाई हुई वो लोगों के घरों पर नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ और सिर्फ अवैध मदरसे और नमाज स्थान पर हुई, तो समुदाय विशेष की भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर हमला कर दिया, जिसको लेकर हल्द्वानी का कांग्रेसी एमएलए का कहना है कि प्रशासन को पहले मौलवियों से बात करनी चाहिए थी। हल्द्वानी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजिस लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जा रही है। क्या प्रशासन को कुछ भी करने से पहले अब सारे धर्म गुरुओं से पूछना पड़ेगा? ये कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बिना किसी हिंसा के हो रही थी, फिर क्यों दंगाइयों ने लोगों को भड़काकर हिंसा शुरू कर दी? खुद नैनीताल की डीएम ने बताया कि ये हिंसा एक प्री प्लान्ड साजिश थी। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। एक वर्दी पहने अफसर पर हाथ उठाना भी अपराध माना जाता है और यहाँ तो पूरी भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भयंकर हमला कर दिया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो केवल कोर्ट का आदेश फॉलो कर रहे थे? पुलिस कर्मियों की ये हालत देख और स्थिति को बिगड़ते देखने के बाद ही सरकार को शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा, वरना दंगाई ऐसे ही सुरक्षा कर्मियों को हानि पहुंचाते रहते। कुछ मीडिया चैनल और फैक्ट चेकर मिलकर जरूर इस मुद्दे पर आपको भड़काएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये हिंसा किसने शुरू की और कैसे इसे साजिश के तहत अंजाम दिया गया।